नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया। विद्यालय के संस्थापक भुवनेश्वर प्रसाद की 54वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। अशोक कुमार ठाकुर का रिपोर्ट। अनुमंडल क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत चंदौर गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में बुधवार के विद्यालय के संस्थापक सब भूमिदाता स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की 54वीं पुण्यतिथि समाज सेवी सब भूमिदाता के सुपुत्र लोजपा नेता विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि तेगरा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौर पंचायत में स्वर्ग भुवनेश्वर बाबू का योगदान सराहनीय रहा, जबकि आज के दौर में विद्यालय की जमीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही और इसी स्थिति में स्वर्गीय भुवनेश्वर बाबू जैसे महान लोग भी भूमि दान कर समाज के लिए कीर्तिमान स्थापित किया। जमीन दान करने के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था कि गाँव का ननिहाल आगे बढ़े। उन्होंने उक्त विद्यालय में अतिशीघ्र चार दीवारी निर्माण करने का आश्वासन दिया। वही मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद ने कहा कि स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद बाबू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने जहां एक ही देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्षेत्र के ननिहालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेख जगाया। वही कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया संघ के जिला सचिव सह प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने आज़ादी की लड़ाई में क्षेत्र उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को विस्तृत चर्चा की। मटिहानी प्रखंड के जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह ने स्वर्गीय भुवनेश्वर बाबू को स्वतंत्र आंदोलन का अहिंसक क्रांतिकारी बताया। वही पंसंस आनंद कांत चौरसिया और पूर्व मुखिया अशोक सिंह ने संयुक्त कहा कि शिक्षक देश की निर्माता होते हैं, इसलिए उन्हें चरित्रवान होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ समाजसेवी लोजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा सभी आगत अतिथियों को चादर उठाकर तथा पुष्प पूछ देकर सम्मानित किया गया। बछवाड़ा के जिला पार्षद मनमोहन महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजू कुमारी, भाजपा नेता राजीव कुमार चौधरी, प्रधानाध्यापक संजीव राय, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गंगा प्रसाद राय, अनिल पासवान सहित विद्यालय के शिक्षक छात्र एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।